अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल। ये देखें, ये है मेरा डिवाइडर और कुछ चीज़ें मैं अपनी सेट कर रही थी। अलमारी वगैरह जो पुराने कपड़े थे वो सब निकाल रही थी, सब कपड़े सारे सेट कर रही थी। तो ये मेरा सेट हो चुका है। अच्छा, बेड में ले गई थी तो बेड की जगह पे जो है वो हमने कारपेट पे जो चादर डाल दी है। और ये मेरा ड्रेसिंग है। तो देखिए, कपड़ा जो है सबके ऊपर, सारे फर्नीचर के ऊपर ना कपड़ा डालकर मैं गई हुई थी। अब मैं दोबारा जाऊंगी तो कपड़े वापस से डाल दूंगी। अभी मैं आई हूँ तो उठा दी हूँ सारे कपड़े। इस तरह से ना फर्नीचर खराब भी नहीं होगा, सेफ भी रहेगा। तो जब मैं आई ना 6 महीने बाद, तो मेरा बिल्कुल फर्नीचर बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं हुआ था, एक धूल भी नहीं था उसमें। बाकी हमें जाना है कल शादी में, तो ये कपड़े मैं निकाल ली हूँ। ले आई थी मैं अम्मी के घर, यहीं पर मुझे तैयार होना था। उसके बाद जो है मेरी भांजी मुझे मेहंदी लगा रही है, काफ़ी टाइम बाद मेहंदी लगवा रही हूँ मैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारा डिज़ाइन लगाती है ये। ये जो है ब्राइडल को भी लगाती है, बहुत फिनिशिंग है माशाल्लाह इसके हाथ में। तो बस जल्दी जल्दी मेहंदी लगवा रही थी। और अरहम जो है वो तंग भी कर रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो अब सोने लगा है ना। तो मैंने कहा पहले मैं इसको सुला दूं, तो दूसरे हाथ में लगी रहा था, तो ये उससे पहले ही सो गया था ना। तो शुक्र है कि ये सो गया है, तो मैं आराम से लगवा ले रही हूँ, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेहंदी लगवाना इसके साथ। ये बहुत ज्यादा मुझे तंग करता है। पता नहीं क्या मसला होता है बच्चों को कि माँ को मेहंदी नहीं लगवाने देते। मेहंदी ना लगवाओ, सिलाई ना करो, मेकअप ना करो, उस वक्त इतना रोना आता है इन लोगों को। जी, हम शादी में जाने के लिए रेडी हैं बिल्कुल, और बच्चे भी रेडी हैं, हस्बैंड भी रेडी हैं। तो मेहंदी का कलर देखिए कितना प्यारा आया। अरहम को देखें, अरहम तो भाई तैयार होने के बाद माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक। इतनी सर्दी थी नहीं यहाँ पे, तो मैं इसे जो है ये वाला शर्ट पहना दी थी। और अरिहा को पता नहीं क्यों मूड खराब है, इसे मैं कह रही हूँ थोड़ा सा वीडियो बनवा लो, तो ये जो है इसका मूड खराब है पता नहीं क्यों। तो ये है हॉल पूरा, माशाल्लाह बहुत प्यारा हॉल था। मेरे बच्चे और हस्बैंड माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे सब। और अरहम को देखें, वो उसे मौका मिला ना, जल्दी जल्दी मेरे बैग से जो है वो सामान निकाल रहा है। और ये है मेरे भाई, सेकंड नंबर वाले। और ये हैं बड़े वाले। यहाँ पर हो रही थी दुल्हन की एंट्री। सबको आवाज चल जाता है। उसके बाद जो खाना निकल गया था, तो ये था फ्राइड चिकन, रोटी, कोरमा, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पर जो है वो खाना, यहाँ जो है वो लेट हो गया, तो लाइट बंद कर दिया था हॉल वालों ने। तो खाना भी जो है वो फिनिश हो गया है।
खाना बहुत मजे का था। ये देखो कितने आराम से बैठा हुआ। बस हम लोग जो है अब घर के लिए निकलेंगे। खत्म हो गई शादी। और अरिया को देखें, जहाँ पर भी से मौका मिलता है ना, ये अपने बाबा का मोबाइल ले लेती है। बस हम निकल रहे थे अब घर के लिए, तो घर पहुँच गए। रूम का हाल देखें कितना बुरा हो रहा है। इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना रूम का हाल, कहीं जाओ तो, कहीं क्या शादी में जाओ तो। उसके बाद मैंने सफाई कर ली, बिस्तर वगैरह डाल दिए क्योंकि बच्चों को भी नींद आ रही थी। और बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद शादी में गई, क्योंकि कराची में मेरे सारे अपने हैं। तो ये था मेरा आई मेकअप जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और अल्लाह हाफ़िज़।